हरियाणा के सोनीपत वैश्यनगर में गाड़ी की पार्किंग को लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ और पुलिस के हेड कांस्टेबल के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। दोनों की ये करतूत एक शख्स ने अपने मोबाइल पर कैद कर ली और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने दोनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। मैंने जो है मेरे बच्चों के साथ जो है वाइफ के साथ और बच्चा था तो उसको लेके वेस्ट रामनगर है, अपने रिलेटिव रहते हैं, वहाँ गया हुआ था। तो गाड़ी मैंने बिल्कुल साइड में जो है पार्क कर दी थी अपने वाली गाड़ी। पीछे से ये कोई संदीप कुमार है जो पुलिस में जो हेड कॉन्स्टेबल है, पीछे से काफ़ी हॉर्न बजा रहा था। तो जनरली आगे से भी एक गाड़ी आ रही थी, तो पहले तो यही कन्फ्यूजन था कि भाई ये हॉर्न किसको दे रहा है और क्या दे रहा है, लेकिन रेगुलर जो है इसने हॉर्न बजाना बंद नहीं किया। तो उसके बावजूद जो है मैं इसके पास चला गया और इसने खिड़की खोल के, क्योंकि इसने अपनी